गैसेस को मेजर करने के कौन से चार मेन क्राइटेरिया हैं, या तो हम इसमें अमाउंट देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमाउंट जो है गैस में, ये दो तरीके से देखा जाता है। अमाउंट है ऑब्वियसली, आप डायरेक्ट वजन है मास में देख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली मोल्स में भी देख सकते हैं, जो चैप्टर वन का है, जिसके लिए कल एक्स्ट्रा क्लास होगी और चैप्टर क्लास के बाद टाइम बताऊंगा, अभी कोई डिस्कशन नहीं। तो एक गैस का मेजरमेंट मास में हो सकता है और एक गैस का मेजरमेंट मोल्स में भी हो सकता है कि पार्टिकल्स कितने हैं। और बेटा मोल्स को एन से डिनोट करते हैं जनरली, और मास को डब्ल्यू या एम से। तो जरा ध्यान रखिएगा, कभी भी एन लिख के आएगा, जैसे यहाँ पीवी इक्वल टू एन आर टी या कहीं पे भी, तो एन का बेसिकली मतलब मास अपॉन मोलर मास हो चुका होगा, मास अपॉन मोलर मास, तो मोल्स बन चुके हैं। तो अमाउंट मेजर करने के लिए जरूरी नहीं खाली मास हो, अमाउंट को मेजर करने के लिए मोल्स यानी काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, उसका भी यूज किया जा सकता है, मोल्स में भी अमाउंट आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इट द एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, ना कि जनरल मास, ठीक है। सेकेंड है, गैस को मेजर करने के लिए आपके पास वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विच इज वेरी कॉमन थिंग। वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे मेजर करेंगे, गैस के पार्टिकल कितनी जगह घेर रहे हैं, तो वॉल्यूम एक सिंपल वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसकी यूनिट जो होगी, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कह रहे हैं हम, तो अगर 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो वॉल्यूम की यूनिट यूजुअली सेंटीमीटर क्यूब में होगी। और ऑब्वियसली बेसिकली वॉल्यूम का जो जनरल यूनिट मानी जाती है, लिक्विड्स की जो मानी जाती है, वो लीटर होती है। तो ये वॉल्यूम लीटर में मेजर किया जाता है, चाहे गैस है या कोई है, और लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। और 1 लीटर में बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर में 1000 ml भी होते हैं। और अगर ये 1000 ml है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब 1 ml इज इक्वल टू 1 cc और सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी वर्ड भी कह देते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं। तो ये आपको पता ही है, इट इज वेरी बेसिक कि वॉल्यूम आएगा यहाँ, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें जो यूज करनी होगी प्रॉपर्टी, दैट इज वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी या यूनिट्स जो हैं, वो ml cc लीटर होगा। अच्छा, इसमें एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कई बार गलत हो जाती है, जैसे बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये कई बार आता है डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, वैसे तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन लिख लेते हैं हम 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। एक्चुअली ये मैंने इसलिए कहा, 1 डेसीमीटर क्यूब अगर करोगे तो 1/10 का क्यूब हो जाएगा, ये थाउजेंड थाउजेंड कट जाएंगे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। तो कई क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको काहे में चेंज करें, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर डी नहीं लगा है तो वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, और 1 मीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर से अगर आप मीटर बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये 1000 लीटर होगा। तो न्यूमेरिकली में कई बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं आंसर 1000 टाइम्स या 10 टाइम्स, मतलब वैल्यू सेम आ रही है, डेसिमल की पोजिशन गलत आ रही है। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में जो अधिकतर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो इन थाउजेंड या इन यूनिट्स की वजह से मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, थोड़ा सा यूनिट्स एक जनरलाइज फॉर्म में, इस चैप्टर में आपका डेसिमल्स में तो थोड़ा बहुत गलतियां आएंगी, जैसे आपका आंसर आ रहा होगा 68.76, तो बुकिश आंसर 68.74 हो सकता है, या बहुत स्लाइट अंतर हो सकता है एक्चुअल आंसर से। वो अभी देखेंगे क्यों, क्योंकि बुक वाले जो यूज कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, और हम टेम्परेचर को 273 लेते हैं, वो 273.15 लेते हैं, एंड दिस दीज आर द रीजन। ये थोड़ा सा आंसर फ्लक्चुएटिंग होगा, लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं। तो ये वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है, सेकेंड वन, और वॉल्यूम की यूनिट आप क्या लेंगे, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, दीज आर वॉल्यूम्स, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम्स। तीसरी चीज जो आपको यहाँ यूज करनी है, दैट इज टेम्परेचर। बच्चों
टेम्परेचर में जरा ध्यान रखना, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता है, लेकिन न्यूमेरिकली इट इज ऑलवेज यूज इन केल्विन। टेम्परेचर को सिर्फ और सिर्फ केल्विन में यूज करिएगा, न्यूमेरिकली किसी और में आपको यूज नहीं करना। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो टेम्परेचर मस्ट बी प्लेस इन केल्विन, और वो सी बाई फाइव इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9, ये ऐसे वाले फॉर्मूले आपको डिग्री सेंटीग्रेड और फेरेनहाइट स्केल में चेंज करने के लिए मालूम है। बट वी हैव टू रेडी फॉर दिस, हमें डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है वो दिया होगा, और इसमें 273 हम ऐड करेंगे। एग्जैक्ट 273.15 होता है वैसे, बट हम इसको लेके चलेंगे केल्विन स्केल। तो न्यूमेरिकली यू ऑलवेज यूज केल्विन स्केल, बाकी फेरेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल आपको चाहिए नहीं है, आएगा भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि फिर इसमें हो 273 ऐड करके केल्विन में कर लेना। -273 इज द मिनिमम टेम्परेचर फॉर गैसेस, तो 0 केल्विन इज द मिनिमम, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। इसे एब्सोल्यूट जीरो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ किसी भी गैस का वॉल्यूम नहीं होता, गैस डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इज जीरो, तो इसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। नाउ इसके बाद चौथा फैक्टर है प्रेशर। ओके, व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर? प्रेशर। तो चार फैक्टर थे आपके बेसिकली। पहला हुआ आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल्स, दूसरा फैक्टर हुआ आपका वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर, एंड चौथा हो रहा है प्रेशर। व्हाट इज बेसिकली प्रेशर फैक्टर? प्रेशर क्राइटेरिया क्या है बच्चों? ऑब्वियसली प्रेशर का मतलब तो जानते ही हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, ठीक है, ये प्रेशर को डिफाइन करेगा, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो एसआई सिस्टम के हिसाब से या एक वैसे जनरल कहें, प्रेशर की यूनिट न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, और सॉरी ये न्यूटन है और मीटर स्क्वायर है, तो ये यूनिट क्या आनी चाहिए यहाँ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर -2 लिखना चाहिए। अब प्रेशर की यूनिट और भी बनी है, जैसे कि पास्कल, बार, एमएम ऑफ एचजी, एटमॉस्फेयर एंड सो ऑन। तो अभी डिटेल में लिखाया जाएगा, लिखा दूंगा आपको व्हाट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो जैसे हम इस समय सराउंडिंग में जो प्रेशर झेल रहे हैं, तो हम 1 मीटर स्क्वायर में जो भी फोर्स झेल रहे हैं उसे 1 एटमॉस्फेयर कह दिया गया। तो बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर अलग अलग जगह अलग अलग भी हो सकता था। ठीक है, तो ये कह दिया गया है कि पहाड़ों पे 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू यानी कम हो गई, यहाँ ज्यादा। तो एटमॉस्फेयर का बेसिक मतलब होता है पर यूनिट एरिया में जो भी गैसेस फोर्स लगा रही हैं वो 1 एटमॉस्फेयर है। व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल एकदम फिक्स डेफिनेशन है। क्या है 1 पास्कल? किसे कहते हैं बेटा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तब इसे कहते हैं 1 पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। और 10^5 पास्कल यानी 1 लाख पास्कल जब हो जाते हैं तो इस चीज को कहा जाता है 1 बार। ठीक है, तो दैट मींस बार या एटमॉस्फेयर काफी बड़ी यूनिट्स हैं, और 1 बार में, 1 बार वर्ड जिसे कहा गया है, वो 1 लाख या 100 किलो पास्कल हैं, बहुत ज्यादा है। एंड 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर नियरली इक्वल हैं। 1 बार इज नियरली इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते हैं, 1.01325 पास्कल, सॉरी दैट इज एटमॉस्फेयर। तो आसपास है, 1 एटमॉस्फेयर इज दिस मच बार। ठीक है, चलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी हम और डिस्कस कर देंगे बेटा, अभी लिखा दूंगा जो भी आपका क्वेश्चन है श्रेया, अभी करा देते हैं। और ये लास्ट वाले को एक बार थोड़ा सा चेक भी कर लेंगे किसको क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर में 1.325 बार है या 1 बार में, लेकिन है दोनों नियरली इक्वल। 1 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। कौन ज्यादा कौन कम है उसको अभी देख लेते हैं, करा देंगे। ठीक है, तो ये प्रेशर की और भी यूनिट्स क्या है बच्चों? प्रेशर मैनोमीटर, बैरोमीटर से इनसे नापा जाएगा। 1
एटमॉस्फेयर को माना जाता है 760 mmHg, या इसे 760 टॉर भी कहते हैं. एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी. यस, इट इज 760 mmHg या 760 टॉर. और भी कई यूनिट्स हैं, इसे फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं 76 cmHg. ठीक है, तो ऑब्वियसली मरकरी का कॉलम कितनी हाइट तक चढ़ता है इसे हम प्रेशर कहते हैं. ठीक है, तो 1 atmospheric फोर्स लगा, मरकरी ट्यूब में चला, तो कितनी हाइट तक ये आगे जाएगा दिस वन. ठीक है विजय बेटा, अभी आपको क्वेश्चन आया था बट ड्यू टू स्नीजिंग मेरा मैं देख नहीं पाया आपने क्या लिखा है ज्यादा, बट कुछ ऐसे था मीटर और इसमें क्या रिलेशन है, या भी मैं रिलेशन रिपीट करूंगा सारे के सारे. ठीक है सर, रिलेशन में सर वो मीटर्स एक बार फिर से बता दीजिए जिससे मेजरिंग करते हैं. मीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये वाले. ठीक है, ओके. क्लोज्ड एंड ट्यूब, ओपन एंड, ओके. और बेसिक ज्ञान बढ़ेगा. चलिए, ये चैप्टर वन में हमने पढ़ा है. वैसे चैप्टर वन को एक बार दोबारा अगर आप देखोगे ना, तो वहां हमने प्रेशर की ये यूनिट्स के लिए ये सारे वर्ड्स देखे हैं. फिर भी एक बार हम वो जो ऑपरेटर्स हैं आप एक तरीके से शायद वो कह रहे हो, उनको एक बार फिर डिटेल करेंगे. पहले थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं मेन पॉइंट पे. बच्चों, मेन पॉइंट हमारा क्या है, हमें गैसेस के प्रॉपर्टीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है बेसिक हेडिंग गैस लॉस से. ठीक है, और गैस लॉस के बाद मैं आपके ये वाले भी डाउट दूर कर देता हूं जो आप पूछ रहे हो ना, कि बैरोमीटर, मैनोमीटर या ये सारे कैसे वर्किंग करते हैं थोड़ा बहुत, तो डायग्रामेटिक प्रूफ कर देंगे. तो गैस लॉस पहले देख लेते हैं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इनको पहले निपटाते हैं. गैस लॉस कौन कौन से होते हैं बच्चों? बच्चों, गैसेस भी एक लॉज फॉलो करती हैं. ऑब्वियसली ये सारे एक्सपेरिमेंटल हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनके रिजल्ट्स को मिला के लिखा हुआ है. तो पहला लॉ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज बॉयल्स लॉ. ठीक है, गैसेस में पहले लॉ का नाम है हमारे बॉयल्स लॉ. बट लॉ पढ़ने से पहले ही आपके दिमाग में अगर ये चीज रहेगी तो सारे लॉ पढ़ना आपके लिए बहुत इजी रहेगा. ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी. हो सकता है ये आपने सुन भी रखा हो, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है. और ऑब्वियस सी बात है, ये सारे लॉ मिलके इस इक्वेशन को अभी फ्रेम करेंगे. लेकिन जब ये सारे लॉ मिलके इसे बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज पार्ट ऑफ दिस, या बॉयल्स लॉ इज पार्ट ऑफ दिस. तो इसलिए पहले से अगर आपको पता होगा तो लॉ पढ़ना बड़ा इजी लगेगा, सारे लॉ हम आसानी से पढ़ लेंगे. द फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ. बच्चों, बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया है? बेसिकली बॉयल्स लॉ है दिस वन, ये शुरुआत है. P और V के लिए जो लॉ बना है उसका नाम है बॉयल्स लॉ. और इस लॉ ने ये कहा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. भैया, गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कंटेनर ही होता है, गैस पूरे कंटेनर को घेर लेती है. और यहां उन्होंने कंडीशन रखी है N यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के पार्टिकल्स, एंड T टेम्परेचर, उस समय जो गैस का टेम्परेचर है, दे मस्ट बी कॉन्स्टेंट. मतलब इसे लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. जो प्रेशर है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर अ कॉन्स्टेंट और सेम अमाउंट ऑफ गैस, जब गैस का अमाउंट भी कॉन्स्टेंट है. या बहुत सिंपल लिखना है तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर एग्जर्टेड बाई अ गैस is inversely proportional to its volume occupied at constant number of moles and temperature. जब moles और temperature constant हो उस समय. ठीक है, और book वाले पहले कह देते हैं भाई gas का amount तो constant ही है, तो constant amount of gas के लिए pressure और volume inversely है. अब इसको थोड़ा language को समझते हैं, कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, सरल भाषा में क्या है, कहना क्या चाहते हो भाई? तो ये कहना ये चाहते हैं कि अगर यहां पिस्टन लगा है और यहां का हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया है, लेट सपोज व्हाटएवर
320 केल्विन है सपोज, ठीक है 320 केल्विन है और यहां ये पिस्टन लगा है बच्चों। नाउ हमने कहा कि यहां से यहां तक का प्रेशर, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 2 लीटर है और इस समय जो गैस के पार्टिकल अंदर मौजूद हैं वो वॉल्स पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर वॉल पे एक जैसा ही स्ट्राइकिंग है, तो यहां इनके जो स्ट्राइक करने पे प्रेशर आ रहा है, लेट सपोज ये 10 यूनिट्स है या 10 एटमॉस्फेयर है, तो ये कंडीशन दे रखी है, ये एक स्टेज दे रखी है कि वॉल्यूम 2 लीटर, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर। इसके बाद ये कहा गया अगर टेम्परेचर 320 मेंटेन था, अगर टेम्परेचर 320 मेंटेन था और हमने वॉल्यूम सडनली रिड्यूस टू हाफ कर दिया, 1 लीटर कर दिया, अगर वॉल्यूम 2 से 1 लीटर कर दिया है तो गारंटेड जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये प्रेशर 10 से 20 हो चुका होगा, डबल हो चुका होगा। ये प्रेशर डबल क्यों हो गया? क्योंकि वॉल्यूम हाफ हुआ है, वेरी गुड, वॉल्यूम हाफ हुआ है इसलिए प्रेशर डबल होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक कम करते जाओगे दूसरा बढ़ता जाएगा, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मींस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1 बाय वॉल्यूम, या प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो किसी भी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली अगर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल कांस्टेंट होगा, बेटा आपने क्या लिखा मैं समझ नहीं पाया, बोल दो यार, इस समय देख नहीं पा रहा हूं, एक बार ये पिस्टन वाला फिर से बता दीजिए। पिस्टन वाला बेटा, पिस्टन में हमने बेसिकली ये कहा है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी, या ये कहना चाहते हैं, मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि बॉयल्स या जितने भी लॉज हम पढ़ेंगे उन सबको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और जब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन आए उन ऑब्जर्वेशन को कोइंसाइड किया, साथ में लिख के देखा, टेबल बना के फिर लॉ जनरेट किए हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने जस्ट ये बोला कि यहाँ का वॉल्यूम 2 लीटर है और टेम्परेचर 320 केल्विन है, वॉल्यूम 2 लीटर, टेम्परेचर 320 और प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है। ऑब्वियसली गैस अंदर की अंदर ही है, गैस के पार्टिकल तो कम ज्यादा हो नहीं सकते, गैस के पार्टिकल ना जुड़े ना टूटे, नथिंग हैपन टू दिस। हमने बाहर से पिस्टन पे फोर्स लगाया, इस फोर्स लगाने से पिस्टन नीचे आया, पिस्टन नीचे आया तो लेट सपोज पहले वॉल्यूम 2 लीटर था और अब वॉल्यूम रह गया 1 लीटर, यानी वॉल्यूम हाफ हो गया, तो गारंटेड जब प्रेशर देखेंगे तो डबल हो जाएगा, चाहे इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें या थ्योरी से कर ले। तो ये फॉर्मूला डेवलप हुआ इस एक्सपेरिमेंट से कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में उल्टे चलते हैं, एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा, और उसको हमने सिंपली लिख लिया, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल कांस्टेंट आ गया। और प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल कांस्टेंट का मतलब पी इंटू वी, यानी शुरुआत का प्रेशर इंटू वॉल्यूम और बाद में प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल आएगा। ऑब्वियसली कोई भी गैस लीक नहीं होनी चाहिए, यानी पार्टिकल निकलने नहीं चाहिए, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए एट कॉन्स्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर। ये दोनों चीजें जब कॉन्स्टेंट होगी तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा। प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर प्रेशर और सॉरी एट कॉन्स्टेंट मोल्स एंड टेम्परेचर। बोलिए बेटा, अब पूछिए, बॉयल्स लॉ में कोई दिक्कत है? जैसे मैं ग्राफिकली बताऊं तो ये रहा प्रेशर और ये रहा 1 बाई वॉल्यूम, तो इट इज अ कॉमन सेंस प्रेशर और 1 बाई वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर और 1 बाई वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, और ये मैंने पूरा 1 बाई वॉल्यूम ले लिया और ये प्रेशर ले लिया, तो 1 बाई वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर मैं कहूं नहीं हमें तो खाली प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ चाहिए, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली हैं, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, तो इसका ग्राफ जब आप करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोल जिसे कह सकते हैं, व्हाटएवर द वर्ड,
तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा दिखेगा, फॉलोड बाय तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ अगर बेटा मैं, क्योंकि ये भी मुझे चाहिए होंगे ना इसलिए, ठीक है, तीसरा ग्राफ अगर बच्चों हम यहां ड्रॉ करें, वो फुली थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बन जाएंगे बेटा। वो हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पे हमने लिया है P इंटू V और यहां खाली P, और ये स्ट्रेट लाइन आ गई। मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीपल है वो इस एक्सिस से चल रहा है, ये प्रेशर है। तो प्रेशर कुछ भी हो, 10 एटमोस्फियर, 20, 30, कुछ भी हो, लेकिन ये मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट है। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम और V कॉन्स्टेंट आएगा, यानी वॉल्यूम कुछ भी हो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीपल है P इंटू V का, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो बेसिकली ये चार ग्राफ आ गए, एक ये था अभी हमारा, ठीक है, और दो ग्राफ ये आ गए थे, ठीक है। आई होप सो ये चारों एक साथ आपको दिख रहे हो अब, ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम, पहला ग्राफ दोबारा बता दें। चलिए बेटा, एक बच्चे ने पूछा है तो ये देखिए क्या है, फर्स्ट ग्राफ ये था प्रेशर एक्सिस और ये है 1/वॉल्यूम बेटा, यानी ये है, हमने 1 को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और अब जो आंसर आया उसको यहां पे हम प्लेस करेंगे एक एक करके। तो प्रेशर और 1/वॉल्यूम में हमने ग्राफ खींचा है। नाउ इन दिस केस ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं और एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, तो ये कहलाएगा आपका बॉयल्स लॉ। बोलो बच्चों अब क्लियर है? गुड, वेरी गुड, आई होप सो बॉयल्स लॉ सभी को क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अभी बेटा एक आध बच्चा कह रहा है शायद लास्ट वाला ग्राफ या व्हाटएवर, एक मिनट बेटा है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं थोड़ा कम बोलना, इसलिए नाउ चेक इट, ये हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं उसको अभी हमें चेक करना है। बच्चों होपफुली आपको याद आ गया हो कि गैसेस की कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड आई होप सो आपको पता है गैस में मास, जिसको मैं अमाउंट कह देता हूं, वो मास जनरली बुक्स में लिखा है। आई होप सो वो मास के लिए आप मोल्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इतना आपको कॉमन सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम ऑब्वियसली प्रेशर, टेम्परेचर, और एक और प्रॉपर्टी हो सकती थी, दैट इज डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। ये हमारे कोर्स में है, ये डेंसिटी एंड डिफ्यूजन डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से आएगा और डिफ्यूजन एनसीईआरटी ने हटा दिया है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं है। फिलहाल ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस में। मास के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि मास बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर है, कोई भी मैटर या मेटीरियल है उसका अपना मास होता है, ठीक है, और इसे हम मोल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो मोल्स वर्ड आपको याद हो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, या 6.022 × 10³। जैसे डजन 12 के लिए आता है, जैसे अधिकतर अंडे या केले लाए हो वो डजन में लाए हो, मोल आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, बहुत ज्यादा 6.022 × 10³ यूनिट होती हैं। तो अगर 1 dozen बनाना है तो 12 बनाना ही रहेंगे, 1 mole बनाना है तो 6.022 × 10³ मोल सॉरी बनाना ही रहेंगे। और ऐसे ही मोल में कोई भी चीज हो, ये चैप्टर 1 में आपने पढ़ लिया है, वो मोल का मतलब जब आप मोल वर्ड हटाएंगे तो उसमें इतने पार्टिकल्स या इतनी यूनिट आ जाएगी, विच इज टर्म्ड एज 6.022 × 10³। ये एक बेसिकली है
कि सबके मोल्स में वेट अलग अलग हो सकते हैं, और जिसका चैप्टर वन क्लियर नहीं है ये वाला पॉइंट, वो आप अलग से अब कल पढ़ लेंगे मोल, उसके टाइमिंग अभी बता दिए जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम कितनी जगह घेर रहा है, डब्बा बड़ा है तो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, या लीटर और ml हो सकती है। मैंने अभी आपको बता दिया है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर को कहते हैं, यानी 1000 सेंटीमीटर को क्यूब। 1 मीटर में 1/10 कह लो या 10 डेसीमीटर कह लो, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं। 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर हैं तो 1000 ही डेसीमीटर क्यूब होंगे, क्योंकि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। 10^-3 इधर लगा दोगे, मतलब इंटरचेंज किया है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। 1 मीटर क्यूब अगर होगा तो 1000 डेसीमीटर क्यूब या 1000 लीटर आएंगे, या 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये तो यूनिट्स हैं जो इंटरचेंज करनी है, और इस किसी भी यूनिट में आपको अगर दिक्कत है एक्सेप्ट द लास्ट वन, आई होप सो, बताइए कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ओके। प्रेशर, बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, और क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने इसीलिए ये डायग्राम भी बता दिया ये कैसे होता है। ये बैरोमीटर का फोर्स दिखा रखा है, ये नीचे जो तश्तरी है, इस तश्तरी में पानी भरा है, और ये पानी इस हाइट तक, सॉरी मरकरी भरा, मरकरी भरा है, और जैसे कैपिलरी लगाएंगे तो ये वाटर मूव करके, सॉरी मरकरी मूव करके ऊपर तक जाएगा। और ये प्रेशर कहाँ लग रहा है आपको होपफुली दिख रहा हो, यहाँ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये बीच में कैपिलरी में हाइट में गया, और ये जो प्रेशर लग रहा है ये एटमॉस्फेयर में रखा है, तो 1 एटमॉस्फेयर की वजह से मूवमेंट हुआ, तो 1 atm की वजह से ये जो हाइट बढ़ी ये 76 cm बढ़ी, सेंटीमीटर, और 76 cm आई होप सो आप फीट में सोच सकते हैं, 2.5 feet के आसपास। और अब अगर इसी को अगर हम mm में लिखते तो 760 आ जाता, आई होप सो क्लियर है आपको। तो प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर या बार हो सकती है, और फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो बेसिक यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल आएगा, हाँ यही वाली वैल्यू थोड़ी हो रही थी। और एटमॉस्फेयर से अगर चेंज करेंगे तो बेटा ये दैट इज 1.01325 था, पास्कल में लिख सकते हैं, इतने किलो पास्कल। तो बेसिकली ये जो प्रेशर की यूनिट आ रही है ये 1 एटमॉस्फेयर के इक्विवेलेंट आ रही है, इन जनरल 1 bar के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg है, 76 cm/s है, या 101.325 किलो पास्कल, ये इतना है, और टॉर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट आपको ये याद रखनी है, टेम्परेचर आपको याद ही है, ये डिग्री सेंटीग्रेड, फेरनहाइट, ऐसे स्केल पे, लेकिन अब केल्विन स्केल में ही आंसर करना है, तो प्लीज इसी को याद रखें, बाकी में ज्यादा फोकस ना करें टेम्परेचर में। ये 0 केल्विन मिनिमम वैल्यू है गैसेस के लिए, और आगे की वैल्यू ये है। तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया टेम्परेचर और केल्विन स्केल का, कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का 273 ऐड करेंगे, और फेरनहाइट वाले में अभी आपको बताया था C/5 F-32/9, वो डिग्री सेंटीग्रेड टू फेरनहाइट या फेरनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। डेंसिटी की आपको जरूरत नहीं है ज्यादा, ये आगे डिटेल में आएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस विदाउट ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये डिफ्यूजन ओए उल्टी फोटो आ रही है, उल्टी मेरी, कोई बात नहीं, सीधी आ जाएगी एक आदमी, अभी ठीक करते हैं।
नेट एक से अब बच्चों इसके आंसर अब आपने खुद लिखने हैं, तो आई होप सो आप आंसर बता देंगे। जो बच्चे जग रहे हैं वो आंसर बताएं। ठीक है, पहले का आंसर भी आ गया है। हाँ बेटा, सेकंड, वन एटमॉस्फियर। बताइए, वन बार 10^5 पास्कल नियरली, पहला आंसर हमें सही लगा, इतने पास्कल इसके हिसाब के लिए है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको समझ में आया हो, ये सारी वैल्यूज सही है, ऑल आर करेक्ट, किसी एक आध को सिलेक्ट मत करिए, दीज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, गैस लॉ। आज जो हमने पहला लॉ पढ़ा वो है पी वर्सेस वी, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए हमें पढ़ाई करनी है कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, और दूसरा लॉ फिर आएगा चार्ल्स, तीसरा एवोगैड्रो, गे-लुसेक्स। लेकिन पहले हमें उबले का नियम पढ़ना है, उबल रहा है बॉयल, उसका नियम पढ़ना है, बॉयल कर रहे हैं इसे, उबाल रहे हैं। ठीक है, ये रहा वही कंटेनर जो मैंने अपने हाथ से डायग्राम बनाया था पिस्टन वाला, और ये गैस के पार्टिकल है। अप्लाई किया तो ये वॉल्यूम कम होता गया, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और ये देखा जब एक्सपेरिमेंट किया कि कांस्टेंट टेम्परेचर, और ऑब्वियसली अंदर पार्टिकल तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम। बट याद रखना है ये रॉबर्ट बॉयल है, पता नहीं ऐसे क्यों बाल रख लेते थे नाटक की तरह, है रॉबर्ट नाम रखा है, रोबर्ट लग रहे हैं, साथ में बॉयल हैं, ये इनका प्रोपोर्शनल टू वी एक कांस्टेंट लगा दिया, और अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, और क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम पहले हो या बाद में कांस्टेंट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड भी सेम रहेगी। हाँ जी विजय जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं, सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी बहुत लो हो बोलो गई है बेटा। सर, यहाँ विजय पे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। विजय आपने अभी टाइप किया ना, तू कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी बहुत लो हो गई है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा सर पीसी पे। कनेक्टिविटी सेम मैं ही है, बता मुझे रहा भी नहीं हूँ दिख रहा यस सर, सर, मतलब बहुत ब्लर आ मान रही है लो वीडियो वाइज। यस सर, बेटा आज कनेक्टिविटी दिक्कत आई, रिलायंस का मेरा तार टूटा हुआ है, और ये मोबाइल या डेन के नेटवर्क से चल रही है कहानी, और मोबाइल और डेन दोनों ही गड़बड़ है। नहीं अभी तो डेन चल रहा है, डेन तो फिर भी ठीक चल रहा है। चलो बाकी सबके साथ कनेक्टिविटी इशू आ रहा है क्या? यस सर, सर यस सर, वीडियो तो बिल्कुल भी सर नहीं आ रही, ऑडियो सुनाई दे रही है। जरा यस पढ़ना बोर्ड पे क्या लिखा है एक आध देना। सर, पॉज है, पता ही नहीं क्या लिखा है। स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है बस सर, स्टेट्स ऑफ थोड़ा मैटर, यस सर, बस ओके वही आ रहा है। प्रॉब्लम आ रही, नहीं पढ़ पा रहे। नो ओके, सर, क्योंकि कनेक्टिविटी की आ
अरे टर्मिनेट करो मुझे, टर्मिनेट।